अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में हमने देखना है कि डिफरेंट एरियाज़ पर हमारे हम जो इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं वो कौन कौन से हैं। अब जैसे अगर हम घर पर देखें तो घर पर ये किस किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है, फिर अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखें तो यहाँ पर क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, देन अगर हम देखें इंडस्ट्री लेवल पर तो यहाँ पर इसके क्या फ़ायदे हैं, एंड देन लास्ट में जो है अगर हम देखें बिजनेस में। ठीक है, तो शुरू में मैं आपको पहले घर में बता देती हूँ क्योंकि कॉमनली यूज़ ज़्यादातर जो है ऑफिस में तो लोग यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन घर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो घर में सबसे पहले आप इसमें बजटिंग कर सकते हैं। बजटिंग अब क्या होती है, पूरे महीने का एक एक्सपेंस का बजट कि यानी इस चीज़ पर इतने इतने लगने हैं, देन इस चीज़ पर इतने इतने ऐड द एंड आपको पता चल जाएगा कि आपने जो है मंथली सेविंग्स कितनी करनी है, एंड देन इस तरह से आप एक अच्छा सा बजट बना सकते हैं। बजट किस तरह से, कैलकुलेटर के ऑप्शन में जाकर वहां से हर चीज़ का एक अलहदा से आप जो है सब कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास आ जाती है इंटरटेनमेंट वाली बात। इसको अगर आप इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए घर में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको गेम्स खेलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की गेम्स होती हैं जिसमें कार रेसेस आ जाती हैं, बाइक रेसेस आ जाती हैं और भी इस किस्म की बहुत मल्टीपल अनलिमिटेड हंड्रेड्स ऑफ द गेम थाउजेंड्स ऑफ द गेम है। कुछ होती हैं पेड होती हैं, कुछ होती हैं अनपेड होती हैं, तो उन पर अच्छा भला टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप। अब आप घर से बैठ के काम करना, यानी बहुत से लोग अगर मतलब ये होता है ना कि छुट्टी भी गया तो घर से बैठ के वो काम निपटा दो, क्योंकि ऑफिस में बैठ के भी कंप्यूटर वर्क कर रहे होते हैं तो आप वो घर बैठ के भी कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट पर्पज़ वही जो पहले कंप्यूटर गेम्स की फॉर्म में मैंने आपको बताया, इसके अलावा चैटिंग वगैरह, मूवीज़, सॉन्ग्स, ये सारा कुछ भी आ जाता है। इन्फॉर्मेशन, ये जाहिर सी बात है आप जो है अगर उसे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है दैन आप यहाँ से बुक्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं इसमें। एजुकेशन पर्पज़ में अगर मैं बताऊँ तो इसमें आप CBT यानी के कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट प्रोग्राम डैट आर सप्लाइड ऑन द CD-ROM। दीज प्रोग्राम इंक्लूड द टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड साउंड्स, ऑडियो एंड वीडियो लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड ऑन द CDs। CBT इज़ अ लो कॉस्ट सोल्यूशन फॉर एजुकेटिंग पीपल। यू कैन ट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईजिली। आप यहाँ से जो है वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करें एंड देन यहाँ से लोगों को समझाएं, लोगों को पढ़ाएं, तो आपके जो है एक वीडियो से मल्टीपल लोग उससे बेनिफिट ले लेंगे। देन हमारे पास आता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कंप्यूटर एडेड लर्निंग में हमारे पास इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू हेल्प द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। द यूज ऑफ द कंप्यूटर कैन रिड्यूस द टाइम स्पेंड ऑन प्रिपेयरिंग टीचिंग मटीरियल। इट also reduce the administrative load of the teaching and the research. The use of the multimedia projector and slides improve the quality of the teaching. It also help in the learning process as well as distance learning. A new learning methodology, computer play a key role in the kind of the learning. Many institutes are providing the distance लर्निंग प्रोग्राम। स्टूडेंट डज नॉट नीड टू कम टू द इंस्टीट्यूट। द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड द रीडिंग मटीरियल एंड स्टूडेंट अटेंड्स अ वर्चुअल क्लासरूम। इन वर्चुअल क्लासरूम द टीचर डिलीवर्स अ लेक्चर एट हिज ऑन वर्क प्लेस। द स्टूडेंट कैन अटेंड द लेक्चर एट होम बाई कनेक्टिंग अ नेटवर्क। द स्टूडेंट कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन टू द टीचर। द आंसर आर गिवन टू द स्टूडेंट्स बाई ईमेल। देन ऑनलाइन एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पज़। मैंने वेबसाइट प्रोवाइड द ऑनलाइन एजुकेशन। यूज़र कैन डाउनलोड एजुकेशनल मटीरियल एंड बुक्स एंड ट्यूटोरियल्स। सम यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड द ऑनलाइन लेक्चर फॉर द स्टूडेंट। स्टूडेंट कैन आस्क द क्वेश्चन एंड डिस्कस द प्रॉब्लम बाई सेंडिंग मेल्स टू द वेबसाइट। एंड देन रिसर्च पर्पज़। डिफरेंट रिसर्च साइंटिस्ट कैन शेयर देयर रिसर्च यूजिंग देयर इंटरनेट। मैनी वेबसाइट्स आर डिवेलप्ड फॉर द रिसर्च एक्टिविटीज़। द स्टूडेंट्स आर यंग रिसर्चर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम सच वेबसाइट्स। यूजेज इन द इंडस्ट्री। इट कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ automated production system. Many car factories are completely computerized and assembled by these robots. These system work quickly than human being and becoming popular. And then design system are designed using CAD, computer aided design, computer programs.
एंड देन यूज टू डिज़ाइन द मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा. थैंक यू सो मच.